स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। जिला मुख्यालय जांजगीर के बहुचर्चित होटल ड्रीम पॉइंट में MFC म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अनबिलीवेबल एक बदला हॉरर हिंदी मूवी का लॉन्चिंग रिलीज तो कोई चिट फंड कंपनी नहीं है और ना ही यूएस कंपनी या तो फिल्म इंडस्ट्री। कौन नहीं चाहता नाम और शोहरत कमाना, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास भी गाड़ी और बंगला हो। इन सभी साधनों को पाने के लिए कहीं ना कहीं पर पैसे खर्च करना ही पड़ेगा ना। आज बड़ी बड़ी फिल्में हमारे शहर सिनेमा घरों में चल रही हैं, तो हम उस मूवी को देखने क्यों जाते हैं? अगर वह चिटफंड है, वह निवेश कंपनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक सिस्टम है फिल्म इंडस्ट्री। मूवी से अनिल से रिलेटेड के संबंध में मैं सर्वप्रथम हमारे विराम देते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, लेट के लिए माफी चाहूँगा। और का रिकवर मिल रहा है और बहुत जल्द आपकी सिनेमा हॉल पे होगी। कुछ स्टोरी बताइए जी। कुछ स्टोरी, इसकी स्टोरी क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टोरी एक फैमिली के ऊपर है, मियाँ बीबी, यानी कि इसकी स्टोरी एक हस्बैंड वाइफ है, जो हस्बैंड इस स्टोरी पर इस स्क्रिप्ट पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, यानी कि के काला जादू होता है, यानी कि उसे काले जादू पर विश्वास नहीं होता है, और जो उसकी वाइफ है वो उस चीज़ पर विश्वास करती है। और दो साल तक उनकी शादी में इसी चीज़ को लेकर अनबन रिलेशन में अनबन चलते रहते हैं। एक दिन वो एक लेटर के माध्यम से अपना घर छोड़ के चली जाती है और ये बता देती है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं बन पा रहे और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इसके अंदर जब वो वापस चली जाती हैं तो 5 दिन तक उनके जो हस्बैंड वो लेने नहीं जाते हैं, तो इसके अंदर क्या दिखाया है कि वो अपनी आप एक आत्महत्या कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, आत्महत्या हो जाती है। 6वें दिन उनकी वाइफ सुबह बाय कार रोड पर वापस उनके घर लौटती है और 1 महीना उनके साथ रहती है। मैं आपको एंड बता रहा हूँ, एंड में उनके पिताजी, लड़की के जो पिता हैं, वो लौटते हैं, वो कहते हैं भाई आपसे नालायक हस्बैंड मैंने नहीं देखा, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, वो अपनी वाइफ को अग्नि देने तक नहीं आया। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरी वाइफ ठीक है, मेरे से नाराज़ होकर घर गई थी, वो तो पिछले 1 महीने से मेरे साथ है। अब जो हैरत में रह जाते हैं उनके फादर, ऐसे कैसे हो गया कि भाई यार जिस चीज़ को मैं चिता में आग दे चुका हूँ और ये कह रहे हैं कि वो घर में रह रही है, घर में रह रही है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उस स्क्रिप्ट को दोबारा, यानी उस लेटर को पढ़ते हैं, तो लड़का पागल हो जाता है कि यार उसने तो फांसी लगा ली और ये जो घर में है ये कौन है। तो जैसे ही वो रिटर्न तेजी से भागकर किचन में जाता है तो किचन में देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं सर। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।